जय हिंद प्यारे साथियों, शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास। आज की क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं क्लास को, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे सभी, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो ऑप्शन है आपके 67वें संविधान संशोधन 1987 के तहत, बी है 7वें संशोधन 1988 के तहत, और सी ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, और डी ऑप्शन है 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का आंसर होगा सी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, जो राइट टू वोट, मतलब कि जो हमारी मतदान की उम्र थी ना, पहले 21 साल थी, लेकिन ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 18 साल। आप सभी ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट लेवल पीसीएस में भी हर बार पूछा जाता है, चाहे हम यूपी पीसीएस के एग्जाम्स की बात करें, बीपीएससी के एग्जाम्स की बात करें, एमपीपीएससी के एग्जाम्स की बात करें, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मैंने यह देखा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है 61वें संविधान संशोधन और 69वें संविधान संशोधन में। दो ये ऐसे संशोधन है जो एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो 61वां संविधान संशोधन है, इसके तहत तो 21 वर्ष से माइनस कर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की उम्र। ध्यान रखेंगे किसकी भाई? मतदान करने की उम्र, वोट डालने की उम्र। और जो 69वां संविधान संशोधन है, इसके तहत क्या हुआ था, ये आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 368, 363, 57 या 352? तो सभी स्टूडेंट का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन किसके द्वारा किया जाता है भाई? ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 360 की बात करें तो इसमें क्या है सभी स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें है भाई वित्तीय आपातकाल। क्या अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं और कितनी कितनी बार आपातकाल लग चुके हैं। 356 की बात करें तो भाई राज्य आपातकाल याद आप रखेंगे, क्या राज्य आपातकाल, और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आप सभी को ध्यान रखना है, क्या भाई राष्ट्रीय आपातकाल आप सभी याद रखेंगे। मैंने ट्रिक से याद करवाया था कि आपको कैसे याद करना है, आर्टिकल 352 लिखे, 356 लिखे और 360 लिखना है, सभी की रिविजन हो जाएगी। फटाफट से एक बार देख लेते हैं चीजों को, एन ई लिखे, नेशनल इमरजेंसी एस ई लिखे, स्टेट इमरजेंसी और एफ ई लिखना है आपको, क्या है फाइनेंस इमरजेंसी। ऐसे याद करेंगे तो एग्जाम में आप क्लिक कर पाएंगे और आपका गलत नहीं होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, अक्टूबर में यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो सभी बच्चों को फटाफट से रिविजन पर ध्यान देना है सारी चीजों को। जैसे मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ ना, तो आपको तुरंत एकदम दिमाग में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई इसका आंसर तो ये है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स हम बहुत ही ज्यादा विस्तार से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान में जो हमने बात करी कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 368 के तहत, तो पहले किसमें पहल की जाती है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधान सभाओं में, संसद के किसी भी एक सदन में। तो आंसर हमारा होगा डी। देखिए डियर फ्रेंड्स, संसद के किसी भी सदन में संशोधन करने की क्या है भाई, संविधान में संशोधन करने की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल याद रखेंगे 368 के तहत, और संशोधन कौन करता है, कौन करता है आ जाए कि भाई संविधान में संशोधन कौन करता है, तो आपका आंसर होगा कि संविधान में संशोधन संसद करती है, इंडियन पार्लियामेंट करती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को, 46वें संविधान संशोधन को या 50वें संविधान संशोधन को? अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं।
किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो हमारा आंसर होगा 61 वा, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ विद ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर ही निर्वाचन हो गए? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस टाइम पीरियड के अंदर मतलब कि चुनाव करवाने होते हैं? 1 माह 3 माह 6 माह और 1 वर्ष। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखा गया है, तो आंसर होगा आपका 6 माह। और पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मैंने विस्तार से पंचायती राज सिस्टम आपको कराया था। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो भी सभी बताएंगे, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? आंसर होगा हमारा राज्य सरकार के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? 32 और 226, 350 और 351, अनुच्छेद 352, 356, 307 या 335, 336, 337। तो ये तो हम सभी को पता है भाई, आपातकाल से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है, 352, 356 और 307 आप सभी को याद रखना है, 356, 360, और ये मैं बता चुकी हूँ। नेशनल इमरजेंसी, एसई स्टेट इमरजेंसी और एफई फाइनेंस इमरजेंसी, सभी को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लग चुका है, राज्य आपातकाल तो आप देखते हैं लगता ही रहता है, और वित्तीय आपातकाल की बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था स्टेट लेवल पीसीएस में, क्या अब तक भारत में 1 भी बार आपातकाल लगा है या नहीं? तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि अब तक भारत में 1 भी बार आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब भारत के राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे या लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे? तो हमारा आंसर होगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, आप सभी को आंसर लगाना है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? वही द्रौपदी मुर्मू जी है। और कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनजाति, आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो यूपीएससी से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान देंगे सभी, वही संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है? आंसर होगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के किसी, सॉरी, यूपीएससी के अगर किसी भी मेंबर को हटाना है तो यह काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। यूपीएससी का आर्टिकल क्या है? यूपीएससी का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? 315, आप सभी याद रखेंगे। और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस आर्टिकल में दिया है, ये सभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 5 को 12 को, कुल सदस्यों का 5वां भाग और या 10वां? तो आंसर होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करते हैं? नामित करते हैं। राज्यसभा लोकसभा का कार्यकाल कितना है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन बना था। राज्यसभा का कार्यकाल लिख लेंगे एक बार, लोकसभा और इधर लिखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा पहले लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं, 5 साल, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, आप सभी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कि भाई लोकसभा कैसा सदन है और राज्यसभा कैसा सदन है, भाई लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, क्या भाई अस्थायी सदन है, और राज्यसभा कैसा है? राज्यसभा स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। तो भाई इनका नाम है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो भाई निर्विरोध चुने गए थे। तो आप सभी सीधा आंसर लगा के आना है कि भाई ये थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 13। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना रिजाइन देना चाहे, यदि राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को? तो आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति को। किसको भाई? उपराष्ट्रपति को। डियर फ्रेंड्स, ये चल रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कई बार,
डिटेल में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन ला रही हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस अब आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस, बाकी भी यूजीसी नेट के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बाकी यूपी यूपी पीसीएस का एग्जाम भी अक्टूबर में है। तो अब लास्ट टाइम यही है कि आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर ये है। और अगर आपसे आपने मुझसे पॉलिटी पढ़ी है तो आप क्वेश्चन को देख के बता देंगे कि भाई इसका आंसर तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार या जितनी बार भी। तो भाई भारत के जो राष्ट्रपति हैं, मतलब कि भारत को राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है, लेकिन यूएसए में क्या है, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यूएसए में सिर्फ दो बार एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, मतलब राष्ट्र जो प्रधानमंत्री है उनका निर्वाचन होता है, या वो नियुक्त होते हैं, या मनोनयन होता है, या चयन होता है। तो भाई भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, राष्ट्रपति जी पर महाअभियोग कौन शुरू कर सकता है, संसद के किसी भी सदन में सदन के सदस्य शुरू कर सकते हैं, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य शुरू कर सकते हैं, राज्य के आधे विधानमंडल कर सकते हैं, किसी भी राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति पर महाअभियोग संसद के किसी भी सदन, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे, राष्ट्रपति पर महाअभियोग कौन से आर्टिकल के तहत चलाया जाता है, और राष्ट्रपति जी को शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है। कितनी बार मैंने चीख चीख के, एकदम आराम आराम से भी चीख चीख के भी समझा रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बीच बीच में आपसे करी, उन सबका कमेंट में आंसर देना है। मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने मेरी इंडियन पॉलिटिक्स की क्लास की है मैराथन, और बाकी जो मैंने क्लासेस ली है, जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस ली होगी ना, तो जो मैं बीच बीच में क्वेश्चन कर रही हूँ उनसे, वो मुझे बताएंगे कि भाई मतलब उनसे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होगी ना मुझसे, तो वो तो भाई फटाफट से सारी कमेंट करेंगे कि मैम महाभियोग इस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, और राष्ट्रपति जी को शपथ इस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है, इसलिए मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, 25, 30, 35 या 18 ईयर्स। तो आंसर होगा 35। अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 इयर्स होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री के लिए कितनी है ये आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, 9 माह के लिए, 12 माह के लिए। तो राष्ट्रपति जी का जो पद है सिर्फ वही 6 महीने के लिए ही रिक्त रह सकता है, तो आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। क्या है 19, भारत के किस संविधान अधिनियम में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के तहत। ऑलरेडी हम यह क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2 से 3 बार इसको मतलब टाइप किया है कि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई महान्यायवादी, जो अपने भारत के महान्यायवादी है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 21 पर आ चुके हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन देखते हैं एक बार, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं क्या भारत के राष्ट्रपति, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा चुने जाते हैं, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, या सभी विकल्प सही हैं, बताइए भाई। जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा सेकंड, एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं, कैग, कैग की बात हो रही है भाई, कैग, कैग, ठीक है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो आंसर होगा राष्ट्रपति। कैग का वर्णन किस आर्टिकल में, आर्टिकल याद रखेंगे 148 में कैग का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 24 पर आ चुके हैं, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, भाई धन विधेयक की बात हो रही है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, केवल राज्य परिषद या राज्यसभा में,
केवल लोकसभा में या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो आप सभी को याद रखना है भाई, जो धन विधेयक है वो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यूपी पीसीएस में यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, धन विधेयक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 25 पर आ चुके हैं, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? एक बार, कभी भी नहीं, तीन बार या दो बार। वही मैं पहले भी आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो आंसर होगा हमारा सेकंड, कभी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ चुके हैं, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री जी को है, राष्ट्रपति जी को है, मुख्य न्यायाधीश को है या संसद को है? तो भाई आपातकाल घोषित करने का राइट किसको है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सभी याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति को, प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ चुके हैं, फोकस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? हमारा आंसर होगा सी, राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के उपराष्ट्रपति के पद अध्यक्ष भी हैं, तो लोकसभा राज्यसभा संसद न ही ए और न ही बी, भारत के उपराष्ट्रपति पद अध्यक्ष भी हैं। तो भाई भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, इतनी चीज आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति? आंसर होगा हमारा डी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 30 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या भाई प्रधानमंत्री की सलाह पर? तो आंसर होगा हमारा डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है भाई, राष्ट्रपति जी है, बी है प्रधानमंत्री है, सी है विरोधी दल के नेता है और डी है भारत सरकार के मुख्य सचिव है। तो आंसर होगा हमारा ए, राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 32, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकते हैं? कौन है ऐसे? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष? आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल भारत की राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही अपने पद पर रह सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन कंडीशन तो होती है जैसे कदाचार के अगर वो कदाचार कर देते हैं तब उनको हटा सकते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है तभी हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ चुके हैं, भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बहुदेशीय नागरिक, वस्तुनिष्ठ भारतीय या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जो भारतीय संविधान है हमें कैसी नागरिकता प्रदान करता है, कितनी बार मैंने करवाया है आपको, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, भारतीय जो संविधान है हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसी भाई? एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूएसए में है दोहरी नागरिकता। और हमारे भारत में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, नागरिकता के बारे में कौन सा संशोधन कर सकते हैं? मतलब नागरिकता के बारे में अगर संशोधन करना है तो कौन कर सकते हैं, किसके पास पावर है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास? तो आंसर होगा हमारा ए, संसद के पास ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 35 पर आ चुके हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है कानून के समक्ष समता, सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समता, पदा अवधियों के उन्मूलन का या आयुष परिच्छेदा के उन्मूलन का? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 17 में आयुष परिच्छेदा मतलब कि छुआछूत के उन्मूलन की बात कही गई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और अक्सर एग्जाम में आयुष परिच्छेदा के अंत से क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। देखिए अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम दिया है और पूछ ले कि संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा गया है, तो
आपको नाम नाम अगर आ जाए तो आपको लगाना है संवैधानिक विचारों का अधिकार या आर्टिकल 32। लेकिन अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम नहीं दिया और आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? प्रस्तावना को कहा जाता है। अब एक फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आर्टिकल किस कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 आप सभी को आंसर लगाना है, 12 से लेकर 35। और भाग किस में वर्णन है? भाग 3 में वर्णन है मौलिक अधिकारों का। इतनी चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 37 पर आ चुके हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, तो कितनी बार मैं करा चुकी हूँ, भारत में जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, अब वो क्या है? एक मौलिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है या एक राजनीतिक अधिकार है? तो हमारा आंसर होगा एक कानूनी अधिकार है। भारत में जो संपत्ति का अधिकार है, पहले वो क्या था भाई? पहले था वो मौलिक अधिकार। पहले क्या था? पहले था वो मौलिक अधिकार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको समाप्त कर क्या बना दिया गया? अब ध्यान रखेंगे, अब यह एक कानूनी अधिकार है। किसमें वर्णन है? 300 में वर्णन है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कितनी है? यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान में आप सभी याद रखेंगे, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये तो मैं पहले ही आपको करा चुकी हूँ, आर्टिकल 32। आप याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 39 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से आर्टिकल 21 की बात हो रही है, की पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है? संपत्ति का है या समता का है या फिर भाषण का है या जीवित रहने का अधिकार है? तो भाई आर्टिकल जो 21 है, इसमें जीवित रहने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो अभी मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले हुआ करते थे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 41 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है भाई? समता के अधिकार का वर्णन है, 14 से 18, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भाई भारत में जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए, डीपीएसपी कहाँ से लिए, ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो मौलिक अधिकार है हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को आपको अन्य वो संशोधन याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978, क्योंकि 44वें और 42वें संविधान संशोधन में कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में अक्सर गलत करके आ जाते हैं। और ऐसे ही डियर फ्रेंड्स, हमारा एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत रिमूव कर दिया गया था? तो आप सभी को ध्यान में रखना है, 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब वो कैसा राइट है? अब वो एक लीगल राइट है, किस आर्टिकल में है? 300 में अब वर्णन है। तो पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में संख्या पूछ ली जाए तो 6 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अधिकार की डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर आ चुके हैं, ध्यान देंगे। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने की शक्ति किसके पास है भाई? भारत के सभी न्यायालयों के पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति जी के पास है या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है? तो आंसर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 46 पर आ चुके हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है भाई? मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, या मौलिक अधिकारों का संरक्षक
कौन है? तो आपका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है आपके, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्य से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे जो मूल कर्तव्य है ना, पहले से हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया तो आप सभी को ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? 50 ख में 50 ख में 50 51 ख में या 51 ख में? तो आंसर होगा 51 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, शाह आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग? आंसर होगा हमारा सेकंड, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या ऐड किया गया भाई, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन भी देखा गया है। 49 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था भाई? भारतीय संविधान हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को? आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान को लागू किया गया था। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम आ चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, 21 वर्ष है, 30 वर्ष है या 35 वर्ष है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है भाई? 30 वर्ष है। अगर मैं लोकसभा की सदस्य की बात करूं तो लोकसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको ध्यान रखनी है, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 आप सभी ध्यान रखेंगे। इतनी चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की क्लास के टॉप 50 क्वेश्चन। इसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न अपने आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसमें से आधे क्वेश्चन याद है तो वेल एंड गुड, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है डियर, आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखना है। और जो चीजें याद नहीं है प्लीज आपको उनको नोट करना है, बार बार रिवाइज करना है। ये वो क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी को 2 से 3 बार क्लास देखनी है। वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा प्लीज आपको कमेंट करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप बताइए टॉप 50 क्वेश्चंस की जो ये हमारी सीरीज है ये आपको कैसी लगी। आप ऐसे ही हर सब्जेक्ट के, जैसे इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चन चाहते हैं तो सभी को अपना ऑफलाइन फीडबैक जरूर देना। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करनी है, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उसी हिसाब से आगे की क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और ज्यादा से ज्यादा अभी आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। देखिए इधर उधर की बातों में नहीं पढ़ना, इधर उधर के टंटों में नहीं पढ़ना है, ठीक है? कुछ दिन सारी चीजों से कट ऑफ हो गए, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है क्योंकि ये लास्ट टाइम है। अगर आप अभी डगमगाए तो पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ।